भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत पे होने वाला नहीं है। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा और आपके लिए गौरवान्वित करने वाली है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा करने वाली बात है, जब ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में बन रही है, भारत की धरती पर बन रही है, भारतवासियों के हाथों से बन रही है। और अभी अभी फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल उनको सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है वहां। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया। आपने इसके पहले कांग्रेस की भी हुकूमत देखी है, आतंकवादी वारदातें किसी न किसी स्टेट में बराबर हो जाया करती थी। 2008 की आतंकवादी वारदात जो मुंबई में हुई थी उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां के गृहमंत्री ने कहा, अरे ऐसी तो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, भारतीय मारे गए। आज आतंकवादी वारदातें भारत में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। और एकाक छिटपुट कहीं का पीरोगर में कोई घटना भी हो भी गई बहनों भाइयों, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत पे होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अकले मंद इशारा काफी। समझ गया कि नहीं? अभी क्या करना चाहिए बहनों भाइयों? इस समय भारत के पास तो ताकत है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और हमारा स्वभाव है कि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमको कोई यदि छेड़ेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आपको आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत में भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो आप।